डिप्रेशन व अवपात में रूप लेने का चांसेस है 22nd को, 23rd को डीप डिप्रेशन, फिर हमारा 24th का अराउंड साइक्लोनिक स्टॉर्म अवपात में रूप साइक्लोनिक स्टॉर्म अवपात में रूप लेने का चांसेस है। कल जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा था अंडमान सी में, उसका प्रभाव में आज लघुचाप व लो प्रेशर एरिया नॉर्थ अंडमान सी एडजॉइनिंग हमारा साउथ अंडमान और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल का एरिया में फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका अभी मूवमेंट इनिशियली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और डिप्रेशन व अवपात में रूप लेने का चांसेस है 22nd को, 23rd को डीप डिप्रेशन, फिर हमारा 24th का अराउंड साइक्लोनिक स्टॉर्म अवपात में रूप साइक्लोनिक स्टॉर्म अवपात में रूप लेने का चांसेस है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म 24th का अराउंड होने का चांसेस है। फर्दर इसका मूवमेंट हमारा रिकर्व होकर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड रहेगा और टुवर्ड्स हमारा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश कोस्ट का पास पहुंचने का चांसेस है 25th को, स्कर्टिंग उड़ीसा कोस्ट को स्कर्ट करके जाएगा। तो इसका प्रभाव में हम लोग अभी मेनली जो वार्निंग है 23rd से फिशरमैन को समुद्र जाने के लिए बिल्कुल मना है और 22nd में डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है और जो भी डीप सी एरिया में है उनको 22nd तक वापस आने के लिए कहा गया है और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है मेनली कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्स में। 24th से ही मेनली रेनफॉल एक्टिविटी इसका होगा अर्ली आवर्स से, तो 24th में हमारा 23rd नाइट अर्ली आवर्स में 23rd का डे टाइम में नहीं बट नाइट से लाइट रेन, उसके बाद फिर 24th में हैवी रेनफॉल का जो है ये है अर्ली आवर्स में हैवी रेनफॉल होने का चांसेस है पूरी जगत सिंहपुर केंद्रपाड़ा, फिर 24th-25th इस समय हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्स में। यही है अभी हमारा वार्निंग और फिर अपडेट कल दिया जाएगा। ठीक है, पवन कितना नहीं, अभी हमारा विंड वार्निंग जो है सी एरिया के लिए जारी है, लैंड एरिया के लिए भी अभी विंड वार्निंग का नहीं दिया है।